20 मिनट, क्योंकि उन्हें बोलने में अभी थोड़ा, हाँ अभी आँख बनवाई है तो ज़्यादा समय नहीं, समय 20 मिनट बहुत है उनके लिए, और वो 20 ही मिनट में आपके जीवन का समाधान बताएंगे। हरिओम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नादबिन्दकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अर्चने वंदने प्रातस्मरणे परम पूज सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज स्वामी योगाचार आत्मानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भागवताचार्य परम पूज स्वामी देवानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए महोबा से आए हुए परम पूज स्वामी जगदेवानंद जी की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज स्वामी रामानंद जी की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूमानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय सज्जनों, कम पागल होता है तो ग्वालियर में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा पागल हो जाता है तो फिर वो कहीं नहीं ठीक होता। हम अपनी बात कह नहीं पाते, डॉक्टर साहब को समझ दे देते हैं तो हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। सब कोई देखते हैं परमात्मा और कहते हैं जीव जो है, डॉक्टर साहब ने बताया कि निराकार है, नहीं साकार है, साकार। हम तुम्हारी ही बात कहते हैं, तुम ना बोलो, नहीं हम सुना है ध्यान से, उल्टा भी हो जाएगा तो हम समझ लेंगे। कहते हैं ये परमात्मा और जीव साकार है, आत्मा निराकार है, और कहते हैं ये संसार निराकार है। ठीक है, अपनी अपनी मत है, ये भी नहीं कहा जा सकता, ये संसार भी जो है तो निराकार है और निराकार भी संसार है, इन बातों में हमें उलझ करके क्या पड़ी है। जीव को जड़ भी कहा और चेतन भी कहा, ये कल प्रश्न चलता था। जीव जड़ भी है और चेतन भी, कब चेतन है और कब जड़ है ये निर्णय करना है। जड़ भी है और चेतन भी है, लेकिन कब जड़ है और कब चेतन है। और जीव ब्रह्म भी है, जीव ब्रह्म है ना अपर, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा हाँ नहीं है। अब एक बात ये समझ लो, हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आप दर्पण ले लें और दर्पण में अपना मुख देखें, थोड़ी ध्यान दें, दर्पण में अपना मुख देखें, जो दर्पण में दिख रहा है वो जड़ है, ये समझो। जड़ इसलिए है कि जो दर्पण में दिख रहा है वो जानता नहीं है, कि जानता है, और जो दर्पण से अलग है वो जानता है, जानता है कि नहीं।
अब समझ लो कि जो दर्पण में है वो जड़ है कि नहीं, तो वो जड़ कहा गया, जीव जड़ कहा गया। अब चेतन कैसे कहा जाएगा? जो दर्पण में है और जो दर्पण से बाहर है तो दो है कि एक है? तो क्या जड़ है कि चेतन है? वही जो तुमने, वो जड़ है ना, जो दर्पण में है जड़ है ना, वो तुमको जानता है ना वो अपने को जानता है, क्यों? जड़ है। चेतन कैसे है? जियो ब्रह्म वह ना अपर, जो दर्पण में दिख रहा है और जो दर्पण से बाहर है वो दो है कि एक है? एक है ना, तो वो जीव जो है वो चेतन है ना, जड़ तो है, जड़ नहीं है। जो चेतन कहा जड़ करही, जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही जीव भजही ते, ऐसे वो जड़े। अब यहां पर अपने में आइए, मैं उदाहरण अब समझा दिया, अब अपने में आइए। देह प्राण इंद्रियां विषय मन बुद्धि अहंकार ये अविद्या का स्वरूप है। अविद्या विशिष्ट चेतन जीव कहा जाता है। तो ये देह से लेकर के बुद्धि तक जो उपाधि है, ये जीव की उपाधि है। इसमें आप जो अहम वृत्ति है, मैं जो कहते हो, तो मैं बुद्धि है, और मैं जो है अहंकार भी है, ये भी समझ लो। अब ये तुम्हारे मैं में जो चेतन का आभास है, चिदाभास जिसको कहते हैं, उसके द्वारा क्रिया होती है, और आत्मा जो कूटस्थ है, ये तीनों को मिलाकर के अविद्या, आभास और कूटस्थ, तीनों को मिलाकर के जीव कहा जाता है। अगर कूटस्थ आत्मा इसके संग में नहीं है तो इसमें चेतन क्रिया नहीं होगी, यानी जो है जानने की शक्ति इसमें, आभास में और ये अविद्या में जानने की शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन जो जानने की शक्ति है वो कूटस्थ चेतन आत्मा से। अब जो सब में मैं करके हो रहा है कि नहीं, ये माया है भला, मैं और मोर तोड़ता है। रामायण में भगवान ने कहा मैं और मोर तोड़ता है माया, अजय ही वस कीन्हे जीव निकाया। अब ये माया है, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था घड़ों का, घड़ों में सूर के आभास का, तो सब घरों में जो आभास है वो माया है, और उस माया को अपना स्वरूप मानने वाला, इस मैं को अपना स्वरूप मानने वाला जीव है भला। और जो अपने स्वरूप को जानने वाला है वो ईश्वर है। तो ये मैं तक तो साकार है, और जो मैं से रहित है वो निरा, तो जो मैं से रहित है वो ईश्वर है, और जो मैं के सहित है वो जीव है। तो अच्छा, कोई घड़ा का, जैसे 100 घड़ों का मैंने दिया था कल कि 100 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। अब बताइए, जो सूर्य का आभास उसमें पड़ता है तो वो घड़ा है कि सूर्य है? घड़ा है कि सूर है? घड़े में है मगर वो घड़ा नहीं है। वो किसका प्रतिबिंब है? सूर का। तो जिसका आभास है वो उसी का होगा कि नहीं? तो वो जो घड़े का सूर है, अगर वो कहे कि मैं सूर हूं, तो क्या सत्य कह रहा है कि गलत कह रहा है? सत्य कह रहा है ना। आज जो कहे कि मैं घड़ा हूं तो गलत कह रहा है, जो कहे मैं सूर हूं तो वो सत्य कह रहा है। इसी तरह तुम में जो ये मैं है, सब में जो चेतन का आभास है, वो अगर मैं देह कहता है तो वो बिल्कुल गलत है, मिथ्या है, असत्य है।
और जो वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं तो सत्य है कि गलत है, लेकिन यह ये आभास, जब ब्रह्म जो है ब्रह्म की सत्ता पर आ जाएगा तो ये मैं मिट जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गयो देखा दीपक मैं। तो जब मैं है तुमको तब तुम परमात्मा नहीं हो, आई बात समझ में? और जब परमात्मा हो तो मैं, हाँ तब मैं नहीं है। हम कहते हैं तुम ब्रह्म हो तो हम ये नहीं कहते कि शरीर ब्रह्म है, भला ये ना मान करके ना हमको मान लेना, ना हमारा शरीर ब्रह्म है ना तुम्हारा शरीर ब्रह्म है, ना हमारे प्राण ब्रह्म है ना तुम्हारे प्राण ब्रह्म है, ना तुम्हारी इंद्रियां ब्रह्म है ना हमारी इंद्रियां ब्रह्म है, ना हमारा मन ब्रह्म है ना तुम्हारा मन ब्रह्म है, और ना तुम्हारा अहंकार ब्रह्म है ना हमारा अहंकार ब्रह्म है, और ना तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म है और ना हमारी बुद्धि ब्रह्म है। लेकिन जब ब्रह्म है तो सब ब्रह्म ही है, कोई दूसरा हाँ दूसरा नहीं है। अगर 100 घड़े फोड़ दिए जाएं तो क्या जो उसमें आभास था सूर का तो क्या वो मर जाएगा? सूर मर जाएगा तो क्या ये हमारे शरीर जिनमें हम मरने का भय कर रहे हैं क्या ये हमारे शरीर नष्ट हो जाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? आभास जब उसमें दिख रहा है तब भी नहीं है, दिख रहा है। और जब घड़ा फोड़ दिया गया तो उसमें आभास नहीं दिख रहा तो उसमें आभास नहीं है भला, लेकिन जब दिख रहा है तब भी नहीं। तो इसमें जब मैं दिख रहा है तब भी तुम मैं इसमें नहीं है, आयुष नष्ट हो जाता है तब भी इसमें नहीं है। देखो यहां पर समझ लो, जिस समय तुम सो जाते हो तो कोई तुम्हारा रह जाता है, कहां चला जाता है? जिसको तुम सत्य माने बैठे हो, अगर ये सत्य होता तो सुसुप्ति में भी होना चाहिए। सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया और सृष्टि को तुम ही ने बनाया। अगर तुम ब्रह्म हो तो सृष्टि के अधिष्ठान हो, बुद्धि को तुमने बनाया, मन को तुमने बनाया, सबको तुमने बनाया। लेकिन विचार करो, देह नहीं बनाया, ना देह वाला बनाया, ये भी समझ लो अगर तुम्हें अधिष्ठान हो। अच्छा ये बताओ, तुमको जैसे यहाँ के संबंध है, दादा काका नाना फूफा जीजा है ना, ये सीधी सी बात समझ लो, इनमें तो समझ में आ जाएगा ब्रह्मा ने बनाया ही इनको कि तुमने बनाया। ये दादा काका नाना फूफा ये जो बनाया है तुम बन, यही तो बन गए हो ना, यही तो सृष्टि है। अच्छा इसको ब्रह्मा ने बनाया है कि तुम बन गए हो? तुम बन गए हो ना, तो फिर कहेगा ब्रह्मा का दोष देते हो कि ब्रह्मा बनाई सी? ब्रह्मा ने नहीं बनाया अलग। अच्छा देखो वहां पर आया है रामायण में, जबकि अनेकों लोकों में काक भुसुंड गया, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, पर कह राम रूप दूसर नहीं। हाँ देखा, तो सृष्टि के रचयिता भी अनेक हैं, ये भी समझ लो। ये देह का रचयिता काम है, ये दक्ष प्रजापति की सृष्टि है, ये शरीर जो है इसको काम ने रचा तो ब्रह्मा हुआ, लोभ ने इसका पालन किया। बताओ अगर लोभ ना हो तो धन कमाओ, धन ना कमाओ तो इसका पालन पोषण होए तो है विष्णु की नहीं, अक्रोध ने इसका संकार किया तो शंकर है कि नहीं, तो ये काम क्रोध जो तुम्हें वैरी लागे थी, ये तीनों समझ लो सृष्टि के रचयिता है। ये हो गया स्थूल ब्रह्मांड, और जो सूक्ष्म ब्रह्मांड है जिसके द्वारा तुम स्वप्न देखते हो तो मन बुद्धि और अहंकार, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का काम करते हैं। मन ही तो सपना को रचता है कि नहीं रचता? मन ही सपना का, यानी मन और बुद्धि, ये तीनों बुद्धि ही अपनी कल्पना से ये सपना को रचती है। तो बुद्धि ब्रह्मा है और मन भगवान विष्णु है, उसका भी पालन करता है और अहंकार उसका संहार करता है।
तो सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारे अंदर क्रिया करने वाला है, तो समझ लो कि ये भी समझ लो मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन जहां सुषुप्ति है कि जहां ये संसार नहीं है, बीज रूप बुद्धि जो है, संसार का बीज जो है, बुद्धि जो है, बीज रूप जो है, वहां स्थापित रहती है सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन वहां भी अभी सृष्टि है। देखो नींद है ना, नींद को किसने रचा? नींद आई, बड़ा आनंद आया, ये सृष्टि है कि नहीं? तो वहां अज्ञान और ज्ञान और रजोगुण जो विक्षेप शक्ति, ये तीनों वहां भी हैं, ये तीनों वहां के भी रचयिता। लेकिन जो इससे ऊपर है, जहां तुम्हारा स्वरूप है, जहां डॉक्टर साहब क्या परम धाम है नहीं 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 तुम्हारा है, हमारा तो हमारा भी है पर लेकिन तुम्हारा पहले है, तुम्हारा एक जगह, हमारा सब जगह। तो नहीं, नहीं, गलत नहीं, गलत बता रहे हैं भैया, हम गलत नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब का परम धाम। अरे तुम हमारा कह देना कि उनका है भाई, परम धाम तो परम धाम है ना, परम धाम एक अपना धाम। जैसे कह दिया जाए तुम्हारा घर तो तुम्हारा घर, तो परम धाम जो है वो सबका धाम है, एक का नहीं है। लेकिन ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था है, ये परम धाम नहीं है, ये माया का धाम है। लेकिन इसमें जो जानने वाला है, देखो अब इसी में समझ लो, तुम बालापन में तुम थे कि नहीं, जवानी में हो? अच्छा वही हो जो बालापन में थे, वही हो ना? बुढ़ापा में तुम रहोगे, हो कि नहीं? अच्छा वही हो जो बालापन में थे कि दूसरे? तो कहां गया? बालापन में थे तो बालापन तो नहीं थे तुम, बालापन चला गया ना, तुमसे अलग हो गया। लेकिन तुम तो अलग नहीं हुए, वही हो ना जो बालापन में हो, जवानी में वही हो, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वही हो जो जवानी में थे ना, वही बुढ़ापे में थे ना। तो अभी जो जागृत में तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे मन बुद्धि और देह का साक्षी है जानने वाला, वही तुम्हारे स्वप्न के जानने वाला है और वही तुम्हारे सुषुप्ति के जानने वाला है। और उसी जानने वाले की जो अवस्था है, जानने वाले की जो स्थिति है, उसको तुरीय अवस्था भी कहते हैं। और जानने वाला, अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहते हुए अगर जानने वाले की स्थिति में, चैतन्यमयी स्थिति में रहो, ये परमात्मा की भक्ति है। इस भक्ति से विदेह मुक्ति मिलती है और वो जानने वाले के ज्ञान से जानने वाला सदा जीवन मुक्त है, वो जीव कभी नहीं बना, वो तुम्हारा स्वरूप है। जड़ की स्थिति का नाम भक्ति नहीं है, देह की स्थिति का नाम भक्ति नहीं है, इंद्रियों के, प्राणों के, मन के, बुद्धि की स्थिति का नाम भक्ति नहीं है। इनमें रहते हुए अपने स्वरूप जो चेतन जानने वाला आत्मा है, उसकी स्थिति का नाम भक्ति है, यानी चेतन की स्थिति का नाम भक्ति है और ये जड़ की स्थिति का नाम भक्ति हाँ नहीं है। उस चैतन्य के ज्ञान का नाम ज्ञान है, इस जड़ के ज्ञान का नाम अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप को जान करके और स्वयं तुम इनसे मुक्त हो जाओ, देह से मुक्त हो जाओ। जैसे जो देह का जन्म हुआ, इसकी मृत्यु होगी, लेकिन जो जानने, जो देह के पहले था, ये तो पाया है ना, बड़े भाग मानुष तन पाया पावा। अच्छा ये बताओ, अगर देह जन्म, देह के पहले अगर तुम ना होते तो का पाते? देह के पहले अगर तुम ना होते तो जो ये बड़े भाग मानुष तन पावा जो तुमने पाया, तो अगर तुम ना होते तो क्या पाते? इससे पता होता है कि देह के पहले मैं हाँ था और देह के रहते हुए मैं हूं और देह के ना रहने पर मैं हाँ रहूंगा। जागृत में तुम हो और सपना में भी तुम जानने वाले स्वप्न के हो और सुषुप्ति के भी जानने वाले तुम हो। तुमको ये भ्रम है कि मैं मर जाऊंगा, मैं जन्म लिया, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं। जागते हो,
मगर भ्रम है कि मैं सो रहा। बताओ जब सपना देखते हो तो जागते हो कि सोते हो? तुम कहते हो सोते। अगर सोते होते तो सपना कौन देखता? मोहल्ला वालों ने बताया कि सपना तुमने देखा। अरे यार तुम ही जानते हो, सोते नहीं हो सोने का, तुझे व्यर्थ होने का भ्रम हो रहा है। और नहीं कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है, तुझे व्यर्थ होने का भ्रम हो रहा है। बोले सतगुरु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शिव बोलो, सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, अभी अभी आपके समक्ष हमारे परम आदरणीय श्री विचारण जी महाराज जी की सुंदर विचारों को आपने श्रवण किया। ये अवस्थाएं शरीर की हैं, बालापन और युवा और वृद्धा। ऐसा नहीं कि इन अवस्थाओं में, बालापन में भी तुम हो और जवानी में भी तुम हो और बुढ़ापे में भी, और जब ये अवस्थाएं नहीं थी तब भी तुम हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यत प्रकाशते, जो इन अवस्थाओं का भी प्रकाशक है तद ब्रह्म तदेव सत्यम, वही तुम हो। ऐसा निश्चय करो, ऐसा आत्मसंधान करो, आत्मचिंतन करो। और अब हमारे बीच में परम आदरणीय श्री भूमानंद जी महाराज जो बांदा धाम से पधारे हैं, हमारे परम आदरणीय श्री भूमानंद जी महाराज आए और भक्तों के समक्ष अपने विचारों को रखे। समय 20 मिनट। हरिओम। हेलो, हरिओम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्तमस्यादिलक्षयम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वविधि साक्षीभूतम् भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरम तम नमामि। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद।